B-2 बॉम्बर्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर्स कहा जाता है। ये इतना ताकतवर है कि दुश्मन देश के अंदर घुस करके भारी बमबारी करने में सक्षम है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। B-2 बॉम्बर्स जिसका पूरा नाम है नॉर्थ ड्रॉप ग्रुमान B-2 स्पिरिट। दोस्तों ये एक अमेरिका का स्टील्थ बॉम्बर है जो कि एक हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स है जिसको कि अमेरिका इस्तेमाल करता है जहां पर किसी बड़े पैमाने पर बमबारी करना हो। और ये स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण ये दुश्मन देश के अंदर तक घुस करके भारी तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। इस बॉम्बर्स का नाम सुनकर कि बड़े से बड़े देशों के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। जैसा कि हम लोग चीन और रूस को मान ले, ये भी इस बॉम्बर्स के नाम से ही डरते हैं क्योंकि B-2 स्पिरिट बॉम्बर है। ये एक कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है और जो कि इसके कारण इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण इसको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब कोई दुश्मन देश इस एयरक्राफ्ट को कैच नहीं कर पाएगा तो मारना तो दूर, इसको देख तक नहीं पाएगा। और इसी का फायदा उठा करके B-2 बॉम्बर्स है वो दुश्मन देश के अंदर घुस करके अपने टारगेट को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और इसकी खासियत यह है कि ये अपने साथ कई हजार किलोग्राम तक के बमों को ले जाने में सक्षम है और यही कारण है कि इसको दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर्स माना जाता है। तो आइए इसके हम लोग थोड़ा स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके ओरिजिन की, जिसको कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा बनाया गया है और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो नॉर्थ ड्रॉप कॉरपोरेशन और नॉर्थ ड्रॉप ग्रुमान है। यदि हम लोग इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो 17 जुलाई 1989 को किया गया था, यानी कि आज से करीब 32 साल पहले। और इसको अमेरिकी वायुसेना में शामिल कर लिया गया था 1 जनवरी 1997 में। और यदि हम लोग इसकी स्टेटस की बात करें तो इस वक्त यह अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा है और सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स ही इसका इस्तेमाल करती है। और अमेरिका अपने इस हथियार को किसी भी देश के पास नहीं बेचता है क्योंकि इसकी स्टील टेक्नोलॉजी अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश इसकी टेक्नोलॉजी को ले ले। और यदि हम लोग इसके नंबर्स की बात करें तो करीब 21 की संख्या में B-2 बॉम्बर का डेवलपमेंट किया है। और यदि हम लोग इसके ईच एयरक्राफ्ट की कीमत की बात करें तो करीब 737 मिलियन US डॉलर्स है। और दोस्तों हम लोग इसके बात करते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको बता दें कि जो B-2 बॉम्बर्स है इसकी जो लंबाई है वो करीब 21 मीटर की है और यदि हम लोग पंख की लंबाई की बात करें तो लगभग 52 मीटर की है और इसकी ऊंचाई लगभग 5.18 मीटर है। और इसका हम लोग इम्पटी वेट की बात करें तो लगभग 71,000 किलोग्राम है और यदि हम लोग इसके मैक्सिमम टेक ऑफ की बात करें तो लगभग 1,70,000 किलोग्राम है, जिसमें कि फ्यूल कैपेसिटी करीब 75,000 किलोग्राम है। दोस्तों इसको दो पायलट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि हम लोग इसके स्पीड की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है करीब 1,000 किलोमीटर प्रति घंटा और यदि हम लोग इसके रेंज की बात करें तो लगभग 11,000 किलोमीटर, यानी कि एक बार उड़ान भरने पर ये बॉम्बर्स 11,000 किलोमीटर दूर तक जा करके दुश्मन देश के अंदर अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है। और यदि हम लोग इसके सर्विस सीलिंग की बात करें यानी कि फ्लाइट एल्टीट्यूड, तो वो है करीब 15 किलोमीटर। अब दोस्तों इसमें हम लोग अर्मामेंट की बात करें यानी कि हथियारों की, तो बता दें कि B-2 बॉम्बर्स अपने साथ अनगिनत हथियारों को ले जाने में सक्षम है और ख़ास तौर पर ये बमों को ही कैरी करता है क्योंकि इसका इस्तेमाल बॉम्बिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों बता दें कि इस B-2 स्पिरिट का इस्तेमाल कन्वेंशनल से लेकर के न्यूक्लियर बॉम्ब का गिराने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि हम लोग कुछ बमों की बात करें तो इसमें करीब 80 की संख्या में 50 LBM के 82 बमों को लोड किया जाता है, 36 की संख्या में 170 50 LB CBU का इस्तेमाल किया जाता है, 16 MK 84 और करीब 16 की संख्या में 8B 83 न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और यदि हम लोग स्टैंड ऑफ वीपन की बात करें तो AGM-152 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वीपन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कुछ एयर टू सरफेस मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि GASSM है और AG-158
और इसमें 2 GBU-57 मैसी ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, यदि हम लोग इस बी2 बॉम्बर्स के वॉर हिस्ट्री की बात करें तो बता दें कि बी2 बॉम्बर्स का कई सारे वॉर में इस्तेमाल किया गया है। इसमें इराक वार से लेकर के अफगानिस्तान, गल्फ वार और यहाँ तक कि जब चाइना में एक एम्बेसी पर बम गिरा गया था उसमें भी बी2 बम का ही इस्तेमाल किया गया था। और बी2 बम का इस्तेमाल सर्बिया वार में भी किया गया था। और नाटो के कई सारे मिशंस में बी2 बॉम्बर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। और 2017 में जब ISIS पर अटैक किया गया था तो उस वक्त बी2 बॉम्बर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था ISIS के ऊपर बम गिराने में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।